अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो कल लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम थोड़ा सा आज रिवाइज करेंगे जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे, जस्ट लाइक फॉर पॉपुलेशन, और उससे आगे फिर हम लिविंग वर्ल्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज रिवीजन है, बात स्टार्ट करते हैं अबाउट पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के ऊपर आपके पास कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, यानी ग्रुप। जब भी आप ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के अंदर आपके पास जिंदा जानदारों की बात हो रही है और आप साथ इसके ऊपर मेंशन कर रहे हैं बात कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह पर मौजूद होंगे, एक वक्त में मौजूद होंगे, एक टाइम मौजूद होंगे, उनको हम नाम देते हैं, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं एज अ पॉपुलेशन। याद रखिएगा हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस दे आर फ्रॉम द डिफरेंट अदर स्पीशीज, होमो सेपियंस से बिलोंग कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर आपके पास एंजियोस्पर्मिक पार्ट्स अलग है, जिम्नोस्पर्मिक अलग है, फंजाइस के अंदर आपके पास यीस्ट अलग है, ठीक है। ये जो ग्रुप्स आपके पास है, जब हम एक किंगडम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशी को पढ़ेंगे और हम स्पीशी की क्वांटिटी को देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्पीशी या वो ग्रुप का ऑर्गेनिजम्स था, वो जब एक जगह पर एक साथ रहे तो फॉर्म करती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो आपको डेफिनेशन देती है वो क्या करती है, कहती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। यानी आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक स्पीशीज से बिलोंग कर रही है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो बेटा आपको याद रखना है एग्जांपल में सबसे पहले एग्जांपल आती है जीन पूल। अब जीन पूल किसे कहा जाता है,
याद रखिएगा, जब भी एक पॉपुलेशन में मौजूद जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को एक जेनेटिक कैरेक्टर्स को जो कैरेक्टर्स उनकी बॉडी में एज डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स मिलते हैं, जब हम उन कैरेक्टर्स को एक ही पूल के अंदर ऑब्जर्व करें तो पूल होता है वो फॉर्म करता है फ्रीक्वेंसी और इसको हम नाम देते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। अब हर पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी जो है एरियल एरिया वेरी कर सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बिहार पर भी जीन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत डिफर आ सकता है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास इसमें है वो कौन सा है, वो है जीन फ्लो। अब याद रखिएगा कल हमने इसके बारे में देखा था, मैं फिर बताता चलो, जीन फ्लो में हमेशा क्या बात आएगी कि जब भी एक पॉपुलेशन के अंदर किसी और एरिया से उसी ऑर्गेनिज्म में उसी ग्रुप में कोई और ऑर्गेनिज्म आकर अपना टाइम स्पेंड करे या उनके साथ आकर रहने लग जाए तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी हमारी या उस जगह पे रहने वाले पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म की जीन फ्रीक्वेंसी से हमेशा डिफरेंट होती है और इस डिफरेंस की वजह से हमारे पास एक फ्लो पैदा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नए जीन्स हमारे जीन फ्रीक्वेंसी का या जीन पूल का हिस्सा बनेंगे। देखिए बेटा आपके पास हमेशा या तो डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं या रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। जब भी बात आएगी डोमिनेंट कैरेक्टर की तो हर बेटा माइक बंद कर दे प्लीज, जिसका भी माइक ओपन है ट्राई कर दीजिए अपना माइक बंद कर दे। बेटा अपना माइक बंद कर दे नहीं तो हमें आपको खुद से निकालना पड़ेगा। प्रत्यमन थैंक यू। सो आपके पास ज्यादा डोमिनेटिंग चीज है या रिसेसिव चीज है? आप देखें एक जीन पूल के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर ये दोनों हमारे पास मैच हो गए, बट यहीं पर क्या हुआ कि अब नए डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ गए तो इसके आने की वजह से हमारी यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी होने लगेगी डिस्टर्ब और इस फ्रीक्वेंसी के डिस्टर्ब होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जीन फ्लो आ गई यानी कुछ नए जीन्स इंट्रोड्यूस हो। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखिएगा जब भी बात आ रही है एज डिस्ट्रीब्यूशन की तो एक पॉपुलेशन के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एज के नहीं होते, कुछ आप तो यंगर मिल सकते हैं कुछ मिडल एज हो सकते हैं कुछ आपके पास ओल्ड एज हो सकते हैं। तो क्योंकि एज बैरियर डिफरेंट है वजह ये वो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म थे जो पहले आए ये उनके बाद और सबसे बाद में आए। तो आपके पास पॉपुलेशन के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है एज की जिसके जरिए हमारे पास पॉपुलेशन में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एल्डर कंसीडर किया जा रहा है कौन सा हमारे पास यंगर है। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वो आपके पास आ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी और इसी के साथ आप लाइन लगा कर रहे हैं पॉपुलेशन प्रेशर। देखिए बेटा जब बात आ रही है डेंसिटी की तो इससे यह साबित होता है डेंसिटी का यह पता चलता है कि हमारे पास जो एक जगह है उस जगह पे हम कितने ऑर्गेनिजम्स को रख सकते हैं कितने इंडिविजुअल्स को वहां पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है आपकी क्लास की कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स की। अब
क्योंकि कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट्स की, तो हम कहेंगे कि 50 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्सटी है। वहीं पर अब प्रेशर क्या होगा कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास की कैपेसिटी कितनी है 50, बट इसमें हम स्टूडेंट्स कितने बिठा दें 70, तो 70 जो है ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सेसिव प्लस 20 की रेशियो से ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो इनके बढ़ने के नतीजे में हमारे पास जो एक प्रेशर आएगा पॉपुलेशन के ऊपर, उसको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल दिस एज अ पॉपुलेशन प्रेशर। तो एक जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है ये हमें नजर आते हैं, और ये एट्रीब्यूट्स सिर्फ बेस करते होते हैं ऑन अ सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है आप, ठीक हो गया बेटा? अब यहां से हम आगे चलते हैं, बात हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के अंदर हमारे पास अब एक ग्रुप की नहीं बल्कि डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात हो, हम कहते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर। Complex community.
किस तरह के नुकसान को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सिंपल कम्युनिटी की और हम वर्ड लिखते हैं चेंज, यानी हमारी सिंपल कम्युनिटी में अगर चेंज आएगा तो चेंज बेटा ड्रास्टिक होगा प्लस लॉन्ग लास्टिंग होगा। ड्रास्टिक होगा साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी उस तब्दीली के असरा बहुत खतरनाक होंगे और बहुत देर के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वजह की बिना पर हमारी सिंपल कम्युनिटी में से तो जी हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि डिमांड नजर नहीं आ रहा होगा तो उस वक्त क्या शेयर कम हो जाएगा, नो उस वक्त शेयर क्या करेगा वो अपना साथ फोकस डियर से उठा के आप ज़ेब्रा में जाएगा। अब जब ज़ेब्रा के ऊपर वो डैम कर रहा है और ज़ेब्रा पर जूम कर रहा है तो अब ज़ेब्रा की पॉपुलेशन क्या होने लग जाएगी डिक्रीज, कम होने लग जाएगी, लेकिन वहीं पर डियर की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगी। तो ये याद रखिएगा कि विदिन द कम्युनिटी हमारे पास जो है इस तरह से मैकेनिज्म एक बैलेंस को मेंटेन करता है और ये बैलेंस मेंटेन करवाया कि नेचुरल प्रोसेस से आते हैं नेचर का काम है कि वो किस तरह से बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसको नाम दे रहे हैं living or in space। बेटा living world in space में आप लोगों ने एक डेफिनेशन याद रख दिया, वो डेफिनेशन किसकी है, वो डेफिनेशन है बायो। By its climate, a large regional community determined by its climate is known as biome. सबसे पहली बात अगर आप हमारे पास ये जो अर्थ है सभी
ये चार हिस्सों में डिवाइड है। जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसको नाम दे रहे हैं एक्विटी, इको सिस्टम, यानी हमारी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके ऊपर बेस कर रहा है, वाटर के ऊपर बेस कर रहा है, फिर वो नाम देता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर वो बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फिर वो बात कर रहे हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। ये जो हमारे पास चार हमने इकोसिस्टम्स बनाए, इन चारों